पहले महात्माओं की जमात चलती थी, पहले साधु लोग एक जगह नहीं रहते थे। आज से 60-70 साल पहले तक, देश जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले तक पूरे देश में संतों की जमातें ही ज़्यादा घूमती थी। और जमात घूमने में भी कोई नियम नहीं था कि यहाँ से जाएंगे वहाँ जाएंगे, अमुक शहर में अमुक गांव में, वो चलते थे, चलते चले गए। जहाँ चातुर्मास का समय आ गया वहाँ ठहर गए, 4 महीना वहीं रुक गए। वहीं अब जहाँ 4 महीना संत रुक गए वहाँ का पूरा क्षेत्र भक्त हो जाता था, क्योंकि 4 महीना कथा कीर्तन ठाकुर जी की आरती सेवा पूजा साधु भजन ध्यान कर रहे हैं, तप त्याग में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, देख करके लोगों को बहुत लाभ मिलता था। तो प्रायः भारतवर्ष के सभी जिले, सभी गांव, सभी क्षेत्र संतों के चातुर्मास्य के लाभ से लाभान्वित तो हो करके और सब भगवान की भक्ति को प्राप्त करके धन्य हो जाते थे। अब वो सब बंद हो गया। तो हमारे महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि जमात घूमते थे और जमात में घूमने वाले कोई साधु माना जाता था, एक जगह रहने वाले को साधु नहीं मानते थे, कि देशकाली नहीं है, खड़िया है, टकसाली उसी को माना जाता था, जमात में घूमता था। क्यों? जमात में सुख दुख और भूख प्यास सब सहने का अभ्यास हो जाता था। वहाँ बना बनाया थोड़ी मिल रहा है सब जगह भोजन, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, जहाँ ठहर गए वहाँ ठहर गए। अब जमात पड़ गई, राशन पानी नहीं है तो जाओ गांव से मांग के लाओ चुटकी आटा, लकड़ी कंडा बीन के लाओ, फिर बनाओ, फिर भोग लगेगा तब पाएंगे। तो न बाल भोग का ठिकाना, न ब्यारू का ठिकाना, 24 घंटे में एक समय अपने आप भोजन हो गया। ऐसे चलते थे साधु, और कहीं घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। अच्छे क्षेत्र में पहुंच गए तो घी घना, भंडारे शुरू हो गए तो बढ़िया पंगत हो गई, और कभी मुट्ठी चना, चना रहते जमात में एक एक मुट्ठी चना दे दिए, उसी में अपना भाई भैया भजन करो, लो अपने 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 लाल जी को शालिग्राम जी को भोग लगा लो, बस भजन करो, कुछ व्यवस्था नहीं है आज यहाँ, एक एक मुट्ठी चना दे दिया, खाओ बस भजन करो। और कभी वो भी मना, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती थी उसके लिए भी हाथ जोड़ लेते थे, आज ठाकुर जी को तुलसी दल का भोग लगा लो और जल पी लो भैया, नदी आ गई है बस, और जिसको जो इच्छा हो, कोई कंदबूल फल मिल जाए तो खा लो, यहाँ व्यवस्था नहीं है। और 2 छत्ता होते थे जमात में, छोटे छत्ता, बड़े छत्ता नहीं, टेंट तंबू वाले छत्ता नहीं, एक छत्ता होता था ठाकुर जी का, जिसमें जमात के ठाकुर जी रहते थे और साधु अपने अपने ठाकुर जी भी वहीं रख देते थे भोग लगने के हिसाब से, और एक छत्ता रहता था श्री महंत जी का, बस खुला छत्ता, उनका धूना अखंड बना रहे, और बाकी जिसको जिस पेड़ के नीचे जगह मिल जाए वहीं अपना 2 हाथ जगह झाड़ लो, वहीं बैठ जाओ, वहीं भजन करो। अब वहाँ अलग से कुटिया कहाँ से आवे भजन करने के लिए, तो साधु कैसे माला फेरते, गमछा अपने मुंह पे डाल लिया, कपड़ा डाल लिया और पैरों के नीचे ऐसे दबा लिया, उसको बन गया कमरा, एकदम कोठरी बन गई, कोई पता नहीं, ओ घंटों भजन कर रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आसन से बैठ के भजन कर रहे हैं। अब एक तो भजन कर रहा है और दूसरा जोर जोर से रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, तीसरा अपने झोली से झाल निकाल करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कीर्तन कर रहा है, वो गरुड़ घंटी बजा के पूजा कर रहा है। सबके अलग अलग साधन है, आप ये नहीं कर सकते कि हम भैया हैं हल्ला गुल्ला मत बचाओ, अपना अपना साधन सब करेंगे। तो ऐसा अभ्यास संतों को भजन का हो जाता था कि हजारों की भीड़ में भी उनके भजन में विक्षेप नहीं होता था।
वे जब चाहते तब एकांत में चले जाते, भीड़ में बैठकर एकांत में चले जाते थे, मन से एकांत में हो जाते थे। अब धीरे धीरे वो सब पद्धतियां समाप्त हो गई। जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, उनके लिए एकांत बहुत अच्छी चीज है, पर हमारे जैसे जो अधकचरे लोग हैं उनके लिए एकांत बहुत अच्छी चीज नहीं है। उन्हें तो 10-20 साधुओं के बीच में ही रहना चाहिए और बीच में रह करके साधन करना।